अस्सलामु अलैकुम। आज हम आपके लिए कलेजी बनाने जा रहे हैं। मैंने ये इतने क्वांटिटी की कलेजी ली है, तकरीबन आधा किलो होगी, एक कलेजी है। और इसे मैंने अच्छी तरह वॉश कर लिया है और इसके अंदर मैं आधा नींबू का रस निचोड़ कर और एक चम्मच नमक डालकर इसे हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके तकरीबन 15-20 मिनट तक इसे इसी में रहने देंगे। फिर इसके बाद अच्छी तरह इसको वॉश करके फिर पकाएंगे। तो फिर आपको हम 15-20 मिनट के बाद मसालों के साथ में बताते हैं क्या करना है। 15 मिनट मैंने नींबू के रस में इसे मैरिनेट करने के लिए रखा था। अब इसे मैंने छन्नी में अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। अब हम इसे पकाएंगे। इसके लिए मैंने 2 बड़े अनियन चॉप करके रखे हैं। कढ़ाई मैंने पहले से गरम कर रखी है। इसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे। थोड़ा सा तेल डालकर फिर इसे गरम होने देंगे। और ये 2-3 तेज़पत्ते और थोड़े दालचीनी के टुकड़े आधा इस तेल में हम डाल देंगे। डालकर ये प्याज भी साथ में डाल देंगे। प्याज लाल होती रहेगी फिर हम आपको प्रोसेस बताते हैं। तो प्याज लाल हो जाए तो क्या करना है। इस कलेजी को हमें कुकर में नहीं बनाना है। कुकर में कलेजी सख्त हो जाती है। इसे कढ़ाई में ही धीमी आंच पर पकाना है। तो अब मैं इसके लिए जो मसाले लगेंगे वो बता रही हूँ। इसके लिए मैंने ये एक कलेजी के लिए मैंने जो मसाला लिया है, 2 छोटे चम्मच धनिया पाउडर है। ये जो मैंने अपने पिछले वीडियो में निहारी मसाला डाला था, 1 चम्मच निहारी मसाला है। 1 छोटा चम्मच गरम मसाला, 1/2 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच लाल मिर्च। मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। और ये अदरक लहसुन और 2-3 हरी मिर्ची मैंने उसमें मिक्स करके पीस लिया। 1/2 टुकड़ा अदरक है, 7-8 लहसुन की कलियाँ हैं और ये मिलाकर पीसा है। जब ये कलेजी भून जाएगी, पहले प्याज लाल हो रहा है, प्याज जब थोड़ी लाल हो जाए तो हम बताते हैं कि फिर कलेजी किस तरह डालना है। प्याज हल्की ब्राउन हो रही है, इसका पानी सूख चुका है। अब मैं इसमें एकदम ज़्यादा लाल नहीं करूँगी। इसमें हम धीरे धीरे ये वॉश कलेजी इसमें डालेंगे। इसमें को उलट पलट कर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि इसकी स्मेल सबसे पहले चली जाए। पाँच मिनट तक धीमे आंच पे इसकी पानी छोड़ने देंगे। कलेजी को ढक कर रखेंगे 5 मिनट तक। फिर उसके बाद हम फिर चलाएंगे। 5 मिनट हो गए हैं, जरा खोलकर कंडीशन देखते हैं। कलेजी ने पानी छोड़ दिया खूब अच्छी तरह से। अब हम चला लेंगे। अब चलाते वक्त हम इसमें थोड़ा नमक, 1 चम्मच नमक डालेंगे। और ये मसाले जो हमने आपको बताए थे ये मसाले मिला लेंगे। मसाले मिलाकर हम इसे धीमी आंच पे 10 मिनट धीमी आंच पे पकने देंगे।
तब ये मसाला भी पक जाएगा और कलेजी भी गल जाएगी। इसे कुकर में नहीं बनाना है, धीमी आंच पे पकती है कलेजी तो और भी ज़्यादा टेस्टी होती है। अब हम इसे 10 मिनट के लिए धीमी आंच पे पकने रखेंगे। दस मिनट बाद मैंने ढक्कन खोला धीमी आंच पे। देखिए मसाला एकदम मिक्स हो गया है और तेल सेपरेट होने लगा है। 5 मिनट और हम इसे पकने रखेंगे। कलेजी भी देखिए गल गई है, आपको तोड़कर बताती हूँ। ये देखिए कलेजी भी गल गई है और हम अब 5 मिनट तक और पकने देंगे ताकि और अच्छी तरह मसाला पक जाए। इसमें थोड़ा सी धनिया डाल देंगे। अगर आपको थोड़ी ग्रेवी अच्छी बनाना हो तो थोड़ा सा पानी भी डाल दें और इसे 5 मिनट तक पकने दें, फिर गैस बंद कर दें। अब 5 मिनट हो गए हैं, हम ढक्कन खोलकर देख रहे हैं। देखिए अब अच्छी तरह से ये पानी भी मिक्स हो गया, तरी भी अच्छी आ रही है। अब हम गैस बंद कर देंगे। गैस बंद करके थोड़ी देर इसे ठंडा होने देंगे, फिर साफ करेंगे। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और कलेजी को नान के साथ या पाव के साथ खाइए, इससे ज़्यादा ही टेस्टी लगती है। शुक्रिया।